हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं बहुत ही आसानी से, तेजी से और झंझट फ्री नान। ये हम अक्सर बनाते हैं, आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं स्वाद के लिए नमक। नमक 1/2 टीस्पून है। पिसी हुई चीनी इसमें 1 टीस्पून डाल लें। अब इसे राइस कराने के लिए हम थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा डाल रहे हैं, 1/8 टीस्पून या 2 चुटकी। साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर, जिसे हम केक में इस्तेमाल करते हैं, 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब थोड़ा सा इसमें घी या कुकिंग ऑयल डालना है। तो डालते हैं 1 टीस्पून के करीब घी, या अगर ज्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो 2 टीस्पून डाल लें। बस इसे गूंधेंगे हम थोड़े से दही के साथ। दही इसे राइस कराने में मदद भी करेगा। तो अब इसे मिला लेना है, हाथों के सहारे मिलाएं। मैं भी हाथ इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैंने सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया है, तो अब इसे अच्छी तरह से गूथना है। तो इसका डो बनाने के लिए हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे करके पानी इसमें मिलाते जाना है। और आज नान के लिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया है, वही आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ध्यान रहे कि जैसा आपका डो तैयार होगा वैसा ही आपका नान बनेगा। तो बीच बीच का आटा रखें, ना ज्यादा गीला और ना ज्यादा टाइट। रुक रुक कर पानी मिलाना है और इसी तरह से आटे को गूथना है। जहां का आटा सूखा हो वहां थोड़ा सा पानी डाल लें। और फिर सारे आटे को हम मिलाकर इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से लपेटते हुए आटे को इकट्ठा कर लेना है। बहुत दबाव नहीं डालना है और इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए राइस होने के लिए छोड़ देना है। मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि डो हमारा कितना सॉफ्ट है। आपको इसके टेक्सचर से अंदाजा हो रहा होगा और लोई निकालना इसका कितना आसान है। आप इसे एक ही हाथ से तोड़ सकते हैं। तो जब आपका आटा इस कंडीशन में आ जाए तो आप नान बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे बिल्कुल चपाती की तरह बनाना है और उसी तरह से सेकना भी है। और जब इस तरह से फूल जाए तो इसे फ्लेम पर थोड़ा सा क्रिस्प कर लें। देखिए, ये हमारा नान तैयार हो गया, बिल्कुल होटलों वाला नान। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। तो है ना ये आसान तरीका, घर बैठे जब जी चाहे मटर पनीर बनाए या कड़ाही चिकन बनाए, उसके साथ आप इस तरह से नान बना सकते हैं। मैं तो इस तरह से अक्सर ही बनाती हूँ और घर में बच्चों को और सबों को बहुत पसंद आता है। रस इसे बेल लें। एक तरफ मैंने थोड़ा सा तेल और मंगरेला लगा लिया है और अब इसे तवे पर डाल देना है। एक तरफ मैंने तेल और मंगरेला लगा लिया है और अब इसे तवा पर डाल देना है। ये तिल वाला साइड नीचे, चपाती की तरह ही इसे सेकना है। तो हरी साइड को पलट लेना है और फिर नीचे हमें थोड़ा क्रिस्प कर लेना है।
अब उठाकर देखना है कि ये कितना क्रिस्प हुआ। तो ये लगभग तैयार हो चुका है, पलट लें और इसे सेक लें और अब इसे फिर से फ्लेम पर सेक लेना है। तो नान बनाने का ये सुपर इजी तरीका है, इसे एक बार आप जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मजेदार बनता है। तो दोस्तों इस तरीके को आप भी ट्राई करके देखें, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। चार आदमी के लिए तो आप इसे पल भर में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और मैं इसे आपको तोड़ कर दिखा सकती हूँ थोड़े से ठंडा होने के बाद। तो इसे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। नानवारी सारी क्वालिटी है इसमें, बस ये बनाने में आसान है, तो आप इसे बार बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये एक ही हाथ से टूट रहा है, कितना खस्ता है। किसी भी करी के साथ आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और ये बच्चों के लंच बॉक्स में देर तक रखने के बाद भी कड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट ये रहेगा ठंडा होने के बाद भी। सफ़र में इसको लेके जाएं या इसे 4 घंटे बाद भी अगर खाना है तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट में लिखें कि आपने इसे बनाया तो आपको ये कैसा लगा। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इंजॉय किया होगा। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और ऐसे ही रेसिपी के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।